देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। दोस्तों, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन नीति आयोग की 2019 की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। नीति आयोग की 2019 की SDG इंडिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भूखे लोगों की तादाद में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। नीति आयोग की SDG 2019 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भूख खत्म करने के मानकों के मामले में अंतिम 5 प्रदेशों में शामिल हैं। SDG लक्ष्य के तहत भूख के लिए 7 इंडिकेटर्स बना रखे हैं। दोस्तों, इन इंडिकेटर्स के आधार पर छत्तीसगढ़ में जहां भूख का मानक साल 2018 में 44 था, तो वो 2019 में 27 पर पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश में भूख का मानक 41 से गिरकर 24 पर पहुंच गया। नीति आयोग की 2019 की SDG इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश के 22 से 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी, भुखमरी, असमानता बढ़ी है। SDG रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 41.6% महिलाओं, 5 साल तक के 40.8% बच्चों में एनीमिया है। अगर रिपोर्ट का हम विश्लेषण करें और विश्लेषण किया जाए तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 2018 की तुलना में, यानी कि 2018 में BJP सरकार की तुलना में 2019 में कांग्रेस की सरकार में भुखमरी करीबन 40% तक बढ़ गई।